फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी S23 फैन एडिशन के बारे में। इसका इंडिया लॉन्च कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, इसका अमेजोन पे पेज लाइव हो गया है। इसका मतलब दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो आज बात करेंगे इसी फोन के कम्प्लीट स्पेक्स के बारे में, इंडिया में किस प्राइस पे आने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, ये सारा कुछ आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसका फर्स्ट लुक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये ग्लास बॉडी के साथ आने वाला है, मेटल फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। 8.2 mm की थिकनेस पे आएगा, 210 ग्राम का होगा ये स्मार्टफोन। और फर्स्ट लुक में दोस्तों आप देख सकते हैं रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, फ्रंट में सेंटर पंचुअल डिजाइन के साथ आएगा। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडिया में आपको 4 कलर ऑप्शन में लॉन्च होने वाला है, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, पर्पल होगा और एक ग्रीन कलर होगा। तो ये 4 कलर ऑप्शन में इंडिया में आने वाला है। उसी के साथ दोस्तों आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है और बताया जा रहा है कि IP67 या फिर IP68 रेटिंग के साथ आ सकता है। अभी के लिए कंफर्म नहीं है लेकिन आप मान के चलो कि IP68 रेटिंग देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 6.4 इंच का FSD+ वाली आपको एक डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों फ्लैट होगा लेकिन हाइयर रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट दिया गया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। HDR10+ सर्टिफाइड होगा ये डिस्प्ले। अप टू 1450 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस मिलने वाला है। तो डिस्प्ले ब्राइट होगा, आउटडोर इंडोर काफी अच्छा आपको विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस या फिर आपको विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। उसी के साथ बात करूं अगर सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा, जहां पे आपको कस्टमाइज किया जाएगा One UI 5.1 के साथ। और बताया जा रहा है कि आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड 14, 15, 16 और 17 तक अपडेट मिल जाएगा। और 5 साल आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, सैमसंग ने प्रॉमिस किया है कि उनका जो फ्लैगशिप फोन होगा उसमें आपको 4 साल सॉफ्टवेयर और 5 साल आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो बताया जा रहा है कि 2 वेरिएंट में आने वाला है, एक में आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर होगा और दूसरे में आपको सैमसंग का एक्जिनोस देखने को मिलेगा। वैसे बताया जा रहा है कि कनाडा और US में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ लॉन्च होने वाला है और एशिया और जो अदर कंट्रीज है उसमें आपको एक्जिनोस का 2200 देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि इंडिया में कौन सा वेरिएंट आएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक्जिनोस 2200 के साथ आ सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, हो सकता है कि बाद में सैमसंग क्वालकॉम वाला भी लॉन्च कर दे जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे दोस्तों इंडिया में 2 वेरिएंट में आने वाला है, 8GB 128GB, 8GB 256GB। स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलने वाला है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मल्टीटास्किंग में दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसका बैटरी के बारे में, तो आपको 4500 mAh का मिलने वाला है, 25W चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा और 15W वायरलेस चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, चार्जर आपको अलग से खरीदना होगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कैमरा के बारे में, तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, प्राइमरी 50 MP का होगा, साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा और जो सेकेंडरी सेंसर आपको 12 MP का टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है और जो थर्ड सेंसर है 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और फ्रंट में आपको पंच होल में 10 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो ये सारे कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया एक्जिनोस 2200 के साथ आ सकता है इंडिया में। बाकी और जो अदर कंट्री है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आएगा। अभी ऐसा लीक्स आ रहा है, हो सकता है कि बाद में आपको जो है क्वालकॉम वाला भी देखने को मिल जाएगा इंडिया में। और अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इसका प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में, तो इसका US प्राइस लीक हुआ है। बताया जा रहा है कि US में अराउंड $599 के आसपास में लॉन्च होगा। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हो तो 49,900 के आसपास में हो सकता है। और इंडिया का प्राइस बताया जा रहा है कि 50,000 और 55,000 के बीच में होगा, जी हाँ, जो इसका बेस वेरिएंट होगा 8128। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया अमेजोन पे इसका पेज लाइव हो गया है, सैमसंग ने इसको टीज भी कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। कुछ लीक्स में बताया गया है कि 4 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों इंडिया में कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पे आएगा, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।